हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 7.1 के क्वेश्चन मैंने लगभग बता चुके हैं। एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो बताने लगे मैं बता दे रहा हूँ। 7.1 के ही कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 को लिया हुआ है। वाई इक्वल टू में दिया है आपको ए बराबर में, वाई बराबर में ए टेन की पावर 3x। थोड़ा सा ये अजीब सा था, बता दे रहा हूँ। इसमें अपन बात करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो डी बटे डी एक्स ये बन जाएगा ए टेन टेन 3x। तो अभी मैं किस पे बात करूंगा, ए की पावर x का। d बटे डी एक्स के बल में कौन आ गया, a आ गया। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x मतलब a की पावर tan 3x log a बेस e। a की पावर x होता था, a की पावर x log a बेस e। अब इसके बाद अपन बात करेंगे d बटे डी एक्स टेन 3x, जो बच जाए उसको अपन बात करते रहेंगे, जब तक बात करेंगे जब तक हम x को न प्राप्त कर लें। लास्ट में कहां पर जाकर रुकते हैं, x पे रुक जाते हैं। तभी तो x मिला नहीं, अभी तो tan है। तो ये हो जाएगा a की पावर tan 3x log a बेस e। tan का क्या हो जाएगा अपने पास, sec स्क्वायर 3x। अभी भी अपने पास x नहीं मिला हुआ है तो अपन x के पास जाएंगे। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर लास्ट में इसको आगे लिख दो 3 को, a tan 3x log a बेस e sec स्क्वायर 3x, ये आंसर हो जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज्यादा आपको जल्दी नहीं है कि जल्दी कहीं पे आपको पहुंचना है। ऐसे ही log का कर देखो, ये भी क्वेश्चन आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। 14 को देखोगे आपको y बराबर में दे रखा है log sec x प्लस tan x, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें बात करूंगा डी वाई बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स लॉग sec x प्लस tan x। तो डी बटे डी एक्स बगल में कौन मिल गया, लॉग मिल गया। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में sec x प्लस tan x, ये हो गया। तभी तो x नहीं है, तो डी बटे डी एक्स अपने पास sec x प्लस tan x हो गया। अब बात कर लें sec x का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर बात करेंगे नीचे तो अपने पास है sec x क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x, ये याद भी कर लेना, ये मिलेगा भी। और tan x का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, sec स्क्वायर x, ये समाकलन में जाके मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा इसको आप याद भी कर लेना, क्योंकि जैसे वहां सॉरी नीचे तो क्या है अपने पास sec x प्लस tan x, वहां पर ये होता है ना कि आप जब दो फलन के गुणनफल का समाकलन करते हैं, लास्ट में चलता है कि दो फंक्शन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन का, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे फर्स्ट और सेकंड मानना होता है। तो ये देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन अवकलन ये होगा, छोटा सा होगा, तो ये वहां पर फायदा करता है। तो मानते हैं वहां पर जाकर आप देखोगे इसको मानेंगे, तो थोड़ा सा आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए फायदा ही रहेगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा। अभी लास्ट में आंसर आने वाला है, ऊपर से sec x कॉमन हो गया, ये हो जाएगा दिमाग, मतलब जितने भी आप डिफरेंशिएशन मैंने बोल दिया कि थोड़ा दिमाग में रखना, तो उसको रखना, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बात ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया, मात्र इसका क्या आएगा sec x आएगा। कुछ एक के बारे में और बता रखा है पीछे, जितने क्वेश्चन पे मैं बताते जाता हूँ इसको आप दिमाग में रखना कि इसका डिफरेंशिएशन चाहे अवकलन क्या होता है, ये होता है, समझ गए बात। तो वहां पे चलकर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं तो अभी क्या होता है ना कि जाके फिर बताना पड़ता है कि देखो उस टाइम मैंने बताया था, तो अभी से दिमाग में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कर लेना 15 को, इसमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा देना। अब आते हैं 7.2 के उदाहरण पे, इसमें आपको इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आपको मिलेंगे। आप क्वेश्चन किस पे मिलेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे मिलेंगे, और उस पर बात करते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। उदाहरण दे दिया है, बहुत सही दे दिया है। इसी ऐसे ही जो फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, तो इसका मतलब नहीं है वो डायरेक्ट है, उससे वो भी कहीं से आया हुआ है, वो भी कहीं से आया हुआ है। तो आए कैसे हैं थोड़ा देख लेना कि साइन इनवर्स का वन अपॉन में अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हमने देखा हुआ है। तो ये 7.2 के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। अब तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करूं तो ये दिया है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए जहां एक्स इसके बीच में है। तो अपने पास
वाई बराबर में क्या दे दिया है, साइन इनवर्स एक्स दिया है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें तो मालूम है ना, फॉर्मूले के तौर पे याद किया है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो हमें तो मालूम नहीं है। अब थोड़ा सा बात, इसमें बोला हुआ है कि एक्स क्या है माइनस वन और वन के बीच में है, बड़ा सा है कि छोटा सा है, छोटा ही होगा, बड़ा लगाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ छोटा ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका कारण भी बताऊंगा कि ज्यादातर नॉर्मली अपन साइन इनवर्स एक्स वन पे भी परिभाषित होता है, माइनस वन पे भी परिभाषित है, ऐसा नहीं कि परिभाषित नहीं है, बट इसमें क्यों नहीं लिया गया उसको देखते, अभी आपको देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें बड़ा सा कोष्टक नहीं लगाया, छोटा कोष्टक लगाया है। ठीक है, तो हमें मालूम तो है नहीं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या, फॉर्मूले के तौर पर याद है लेकिन आपको साइन इनवर्स एक्स का अवकलन याद करने के लिए बोल देगा तो फिर क्या करोगे। तो वाई बराबर किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाई बराबर दिया नहीं रहता है एग्जाम में, एग्जाम में साइन इनवर्स, आप क्वेश्चन को पढ़ना एग्जाम्पल नंबर 4 को, डायरेक्ट ये लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स क्या है आपका माइनस वन और वन के बीच में है। तो आप क्या करोगे, मानोगे, माना वाई बराबर जो भी फलन दे दे, जो भी फलन देगा आप वाई बराबर उसको मान लेते हो, समझिए बात को। अब उसके बाद लिखते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के अभी तो यहाँ पर अभी नहीं करेंगे अवकलन, हमने मान लिया माना वाई बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से एक्स बराबर लिखता हूं, क्या लिखूंगा एक्स बराबर, तो साइन इधर आ जाएगा तो ये बना देगा साइन वाई। अब क्या करेंगे यहां पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो अवकलन आपको एक्स के सापेक्ष ही करना है, वाई के सापेक्ष नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया, तो x का अवकलन दस क्या होता है, x का अवकलन तो एक होगा, x का डिफरेंशिएशन एक, साइन का क्या होता है cos, क्या होता है cos y, यही तो होता है साइन का डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या होगा cos होगा। अब देखिए यहां पर अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष, है यहां पे y, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा हूं, x के सापेक्ष, अब है क्या y, तो मैंने बता रखा है कि जब भी y बराबर आप लिखते हो कुछ भी उसका अवकलन करते हो dy / dx क्यों लिखते हैं, y का तो डिफरेंशिएशन, y का अवकलन तो एक होता है, बट आप x के सापेक्ष करते हो तो y को समझने के तौर बताते हैं कि तुम्हारा जो अवकलन चल रहा था वो किसके सापेक्ष चल रहा था, x के सापेक्ष चल रहा है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, d अपॉन dx ऑफ y, मैंने बता रखा d अपॉन dx ऑफ y, वो तो नॉर्मली अपन यही बोलते हैं dy / dx, लेकिन नॉर्मल क्या y का, इस y को बताते हैं कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, डी अपॉन डी एक्स चल रहा है वाई का। ठीक है, अब यहां से बात, हमें तो डीवाई बटे डी एक्स निकालना था, हमें क्या निकालना था इसके लिए डीवाई बटे डी एक्स, हमने इसको ये लिख लिया, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, अब यहां से डीवाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा एक बटे में क्या हो जाएगा कॉस वाई, एक बटे में क्या हो गया अपने पास कॉस वाई हो गया। अब बात करूंगा थोड़ा सा कॉस वाई को, क्या मैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है आपको, सॉरी साइन इसको क्या लिख सकता हूं, एक बटे में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा, मैंने एक्स कहां से, ये क्या लिख दिया वाई लिख दिया, समझ गए बात को। अब ऊपर से थोड़ा सा देखो तो वन माइनस साइन साइन वाई की वैल्यू क्या है एक्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने जब भी देखा होगा डी वाई बटे डी एक्स, वाई को हमने क्या मान रखा है साइन इनवर्स वाई, वाई को हमने क्या माना है साइन इनवर्स वाई, तो आप यहां पर समझो कि ऐसे लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स इस वाई की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स। तो आपने इसका वो देखा था फॉर्मूला कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसने बोला हुआ है कि एक्स क्या है माइनस वन और वन के बीच में है, अब सोचो वन ले गए, आपके मन कर रहा है कि नहीं ये छोटे कोष्टक में है, यदि तुमने यहाँ पे वन रख दिया आपने तो क्या बनेगा वन माइनस वन जीरो बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो बन जाएगा, वन पे तो जीरो पे तो पर हाँ जीरो बनेगा, तो एक बटे जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, वन रखो या माइनस वन रखो ये जीरो देगा और नीचे जीरो आते क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं होगा, इसीलिए इसने बड़ा कोष्टक में लगा करके लगाया छोटा कोष्टक लगाया, समझ गए। ऐसे ही आप कॉस इनवर्स का भी निकाल सकते हो, टेन इनवर्स का भी अपने कॉपी में निकाल लेना, जो भी जिसके पास टाइम हो, बहुतों के पास तो टाइम नहीं है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान सर टाइम ही नहीं मिलता है, तो टाइम नहीं मिलता, जिनके पास टाइम है तो थोड़ा सा मुझे कॉस इनवर्स का टेन इनवर्स का
मैंने सभी के का मन कर रहा है, आपका मन कॉस इनवर्स टेन इनवर्स दो के कम से कम, और बाकी के भेज सकते हो तो और अच्छी बात है, आप व्हाट्सएप कर देना ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो पता ही होगा 8837615118, इस पे व्हाट्सएप कर देना, देखता हूँ कौन कौन भैया करते तो है नहीं, 10 ही 5 करते हैं, कुछ तो होते हैं कि बस हाँ भाई क्या पढ़ना है, कोर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आप मेहनत करना थोड़ा सा, देखते हैं कि आपने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सही लिखे हैं गलत लिखा है, टाइम मिले तो 2 दिन में करना 3 दिन में करना, जितने कर जाओ वो आप व्हाट्सएप करते जाना ठीक है, ये नोट कर लेना आप। तो इनवर्स के भी फॉर्मूले जो निकले हुए हैं ऐसे ही निकालेंगे, वाई बराबर कॉस इनवर्स मानकर फिर एक्स करूंगा एक्स के सापेक्ष, काम यही करना पड़ेगा, समझ गए बात को। अब आगे आते हैं इसके और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद बात करूं यदि मैं अपने पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो है, खुशी में इधर आ गया, हाँ इधर इधर हो गया, 4 का हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 5 में कई सारे पार्ट्स हैं, प्रॉब्लम यही है इसमें पार्ट्स बहुत दे रखे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मान लो आपको y बराबर एक खुद ही दे दिया है, y बराबर दिया है साइन इनवर्स, क्या दिया है साइन इनवर्स 2x1+x² ये दे रखा है। इसके बाद आप बात करोगे इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा रुक के करना, मतलब तुरंत आते ही आप प्रयास मत करो कि हमें करना ही स्टार्ट कर देना, अब थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचो कि साइन इनवर्स ये हमेशा मिलेगा, जाके फिर समाकलन में भी मिलेगा आपको, तो 2x/1+x² की वैल्यू क्या होती है। यदि x की जगह पर मैं tan रख दूं, x की जगह क्या रख दूं tan रख दूं, 2x/1+tan² tan sin 2θ होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मानोगे माना x बराबर, मैंने 11th में भी बोला था कि इस टाइप के मिलेंगे वहां पर हम मानेंगे, तो 11th में ही मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया था कि आपको ऐसे मिलेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी दोस्ती बनी रहे, जितना दोस्ती करोगे इन सबसे उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होगा फास्ट होगा, तो x बराबर क्या होगा tan थीटा होगा ठीक है, यहाँ से थीटा बराबर भी लिख लेते हैं तुरंत ही, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, बाद में काम होगा यूज करेंगे, इसको लिख ले रहा हूं। अब मैं बात करूं यहां पर y बराबर में दिया है साइन इनवर्स 2 tan θ बटे में 1+tan²θ, मैंने लिख दिया, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 2 tan θ/1+tan²θ की वैल्यू क्या होती है अपने पास sin²θ, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया गायब हो गया 2θ। देखो बोर्ड के एग्जाम में अभी तो यहाँ पर हमें पता है ना कि 2θ किसके बीच में होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा तभी होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में वो देगा आपको कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, देगा तो देखेंगे, देता है कभी कभी, किसी किसी क्वेश्चन में दिया है किसी किसी में दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो हम कहाँ देखेंगे, अपन डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन होता है ना कि इसके इसके बीच में होगा साइन इनवर्स साइन, इसका डोमेन साइन का डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे तो 2θ की वैल्यू कहां से होनी चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में होगी, तो अपन क्या करेंगे साइन इनवर्स से साइन को क्या कर देंगे गायब कर देंगे, लेकिन नहीं दिया है तो अपन कहां से चेक करेंगे। आरडी शर्मा के ज्यादा सभी क्वेश्चनों में दिया होता है, आरडी शर्मा की जो बुक होती है बोर्ड वाली उसमें सब कुछ दिया होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसमें किसी किसी में दिया संबंध किया इसमें दे तो दे दिया है, हालांकि देना चाहिए। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू देखो इसलिए ऊपर मैंने लिख दिया है, सॉरी क्या दिया है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो गया, क्या हो गया tan इनवर्स, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, यहां से जब dy/dx करोगे, अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ एक सेकेंड लगेगा, ऐसे आप वहां पर डायरेक्ट शुरू कर देते कार्यक्रम यहां पर, तो सोचो कितना प्रॉब्लम होता, 1/2 साइन इनवर्स क्या होता है 1/2 √1 - x², इसका काम खत्म करते x² ये पूरा कोष्टक है, फिर इस कोष्टक का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रुक के हमने किया, x को tan थीटा मान लिया, तो आप अपने को दिमाग क्या लगाना है कुछ भी नहीं लगाना, 2 tan इनवर्स क्या होता है 1/1+x² होता है, काम खत्म हो गया। ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अपन मान लेंगे, देखेंगे कि इससे क्या बन रहा है, कुछ बन जा रहा है तो अपन मान लेंगे, मान के करेंगे तो उससे सवाल क्या हो जाएगा अपना और आसान हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होते तो देखो तो डिफरेंशिएशन 0 है, और जो वहीं से स्टार्ट हो जाते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। अब मान लो इसके बाद अपने पास देखो बताना ये फर्स्ट पार्ट है, अब सोचो तो कुछ भी नहीं है, अब आपको प्रयास करना है, मान लो इसमें से मैं
सेकेंड और थर्ड में से कोई एक थर्ड बता दे रहा हूँ, सेकेंड अपने मन से कर लेना। वाई इक्वल टू में दिया है अंडर रूट कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। उदाहरण के तरीके से मत करना, आप परेशान मत हो, उदाहरण में ऐसा हुआ है, एग्जाम में आपको कैलकुलेट बोलेगा कि अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आपको उदाहरण में बहुत कुछ नाटक कर रखा है, मैं नाटक से जो एक मेथड सीखो बस काम खत्म करो, उसी से सारा कार्यक्रम निपटा दो। अपन क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वन ऑफ डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि अंडर रूट का अवकलन क्या होता है, जब भी अंडर रूट दिख जाए तुरंत आप बंद करके क्या बात करूंगा, दो अंडर रूट, अंडर रूट अपने पास क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब जो अंडर रूट के अंदर क्या है, कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये तो इसका काम खत्म हो चुका है, टू अंडर रूट क्या हो गया, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स हो गया। कॉट का क्या होता है उस पर बात करते, कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का होता है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, माइनस टेन इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या है अंडर रूट एक्स है, इसको कर दिया। अभी भी कॉट इनवर्स एक्स नहीं था, ये क्या था अंडर रूट था, तो इसको भी अपन निपटाएंगे, निपटाने के लिए अपने पास कौन है डी अपॉन डी एक्स है, तो इसको सॉल्व आपने किया तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और इसके बाद यहाँ पे टू अंडर रूट कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू में इसका हो जाएगा वन प्लस अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है, तो अंडर रूट एक्स लास्ट में अब जाके बनेगा माइनस, ये हो जाएगा टू से टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट एक्स को आगे लिख दूंगा, ये हो जाएगा फोर माइनस अंडर रूट एक्स, ये हो गया अंडर रूट में कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू में हो जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा, ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ मारा जरूरत ही नहीं, मान्य करके टाइम बर्बाद होगा, अपन एक एक स्टेप पीछे बढ़ते जाओ सारा कार्यक्रम हो जाएगा, लास्ट कहाँ पर जाकर रुकना है जहां पर एक्स मिल जाए, यहाँ पर एक्स मिल गया यहाँ पर रुक गया, समझ गए बात आपको। तो यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं अब जो इस मेथड को कर रहा है तो उसको आप करो, जरूरत नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर उसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, अवकलन करने का क्या है प्रतिस्थापन विधि, वहां पे कुछ चीज को मानेंगे, मानने के बाद फिर जब आसान नहीं है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, तो सेकंड जो पार्ट है ना वाई बराबर साइन इनवर्स, तो आप ऐसे ही करना, आप उसको मानने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना इसी तरीके से। हाँ देखो फोर्थ में उसने उसका मन किया है तो दे दिया है, जो मैंने बोला था ना अभी इसमें देना चाहिए था इसको, तो इसमें ना देकर कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां है, इसमें आपको दे रखा है कि एक्स क्या है माइनस एक बटे अंडर रूट तीन से एक अंडर रूट तीन तक है, और थोड़ा इसमें बात करते हैं कि क्या ये दे रखा है क्यों दिया हुआ है। अब इसमें दे रखा है तो मैंने बोला ना आरबीएससी की बुक जो है उसका मन किसी किसी क्वेश्चन में दे देता है, किसी किसी में नहीं देता, शायद एक्सरसाइज में सब कुछ सब में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में सब में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स में नहीं दिया, लेकिन एक्सरसाइज में मुझे याद है कि सब कुछ दे रखा है। अब बोर्ड के एग्जाम में देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर ये क्या होगा, नहीं देगा नहीं देगा तो नहीं दिखाएंगे, दे दिया तो दिखा देंगे, बस बात खत्म है। आना चाहिए अपने को वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जब एक्स क्या होना चाहिए छोटा क्वेश्चन लगा रखा है एक बटे अंडर रूट तीन से एक बटे अंडर रूट तीन में, इसी में देगा दिया हुआ है, इसमें बात करूंगा आपकी कैसे करते हैं इसको। ठीक है आते हैं, तो अपन देखो यहाँ पे थोड़ा सा इससे दोस्ती अपनी हुई है, देखो ध्यान से, तो टेन में होगा थ्री टेन, थ्री टेन माइनस टेन की पावर थ्री अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को क्या मान लूंगा टेन थीटा, यहाँ से थीटा मैं तुरंत लिख लो, बाद में अपने इसको यूज करना ही पड़ेगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। अब जब मैं बात करूंगा यहाँ पर तो अपने पास आ गया टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन की पावर थ्री थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है, ऑटोमेटिक याद हो या ना याद हो, थ्री टेन थीटा कुछ इस टाइप का हमें याद हो तो अपने आप फिट बैठ जाता है, अपने को कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं गई, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद हो, कुछ आइडिया होना चाहिए, ये बन जाएगा टेन थ्री थीटा, ये बन गया, इसका काम हटा देते हैं। अब थोड़ा सा क्या करेंगे कि अपने पास ये टेन थ्री टेन इनवर्स से टेन कब गायब होता है, जब इसके साथ जो टेन के साथ लगाओ क्या हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो, इसका डोमेन क्या होगा टेन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो, हमने देखा अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे बात करते हैं ये है कि नहीं, इसमें दे दिया तो दिखा देते हैं, तो एक्स कहाँ से है माइनस एक बटे अंडर रूट तीन से, छोटा कोष्टक लगाए तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, और एक्स है
फिर क्या है अपने पास, 1/√3 है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करूंगा, x को हमने क्या माना हुआ है, tan थीटा, तो इस x से जब क्या रख दूंगा, 1/√3 tan थीटा 1/√3, ये हो गया, समझ गया बात को। अब tan इनवर्स ले लूंगा, सभी में यहां पर भी tan इनवर्स, यहां पर भी tan इनवर्स, यहां पर भी tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स लूंगा तो क्या बनेगा, दिखा दे रहा हूं लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा, tan इनवर्स बहुत ही स्टेप खा जाएगा तो बोर्ड के एग्जाम में टाइम भी बर्बाद होता है। ऐसे सभी में क्या ले लिया मैंने, tan इनवर्स ले लिया, क्या ले लिया, tan इनवर्स ले लिया, tan इनवर्स 1/√3, तो माइनस बाहर कर देगा, माइनस tan इनवर्स 1/√3 कहां पे होता है, पाई बाई सिक्स पे होता है, ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, tan इनवर्स tan गायब हो गया, ये बना दिया थीटा, ये क्या बना दिया थीटा, फिर tan इनवर्स 1/√3 क्या है, सॉरी पाई बाई सिक्स होता है, क्या होता है, पाई बाई सिक्स होता है, समझ में आ गया। लेकिन अपने पास थीटा नहीं है, क्या है, थ्री थीटा है, देखो तो यहाँ पर थीटा नहीं है, क्या है, थ्री थीटा है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब तीन से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करूंगा तीन से, तो ये क्या बनेगा, 3π/6 मतलब पाई बाई टू, तो यहां से ये बन जाएगा अपने पास माइनस पाई बाई टू से, ये इधर क्या बन जाएगा, 3θ, ये क्या बन जाएगा अपने पास, पाई बाई टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई बाई टू। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan यदि इसके साथ जो लगा हुआ है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है, तो यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि थ्री थीटा क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, इसलिए वाई बराबर जो था tan इनवर्स tan 3θ, tan इनवर्स tan गायब होगा, क्या दे देगा, 3θ दे देगा, ये है पूरी कहानी। मैं बोला तो उसमें नहीं दिया था, इसमें दिया है, और क्वेश्चन में दिया दे रखा है, उसमें अपन जब जाएंगे तो बात कर लूंगा। तो वाई यहाँ से 3 tan θ की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, देखो अवकलन तो कुछ भी नहीं है, जब मान के करते हैं तो समझो कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसमें फिर कुछ भी नहीं होता, सारा खेल इधर खेल लेते हैं, जो दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा ये दे देता तो और थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो ये बन जाएगा 3 1/1 x² ये हो गया। और आगे आते हैं अपन, थोड़ा सा और बात कर लें, तो जब बात करूंगा तो हो गया 4, इसका काम निपटा दिया हमने। अब आगे आते हैं उदाहरण नंबर 6 में, अब इसमें थोड़ा सा आपको तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, उसी को निपटा दे रहा हूँ, या तो छोटे वाले कर लोगे आप, इसमें tan इनवर्स sin e^x भी हो जाएगा, और एक दिखा दे रहा हूँ आपको, परेशान होंगे, किसको दिखा दो, sin e^x इसी को दिखा दे रहा हूँ आपको, 6 का 1st, किस पे बात किया था, 4th का, हाँ 6 का 1st देख लो, जैसे फर्स्ट कर लो ऐसे ही सेकंड होगा, ठीक है। तो इसमें दिया है y इक्वल टू में आपको tan इनवर्स साइन e^x ये दे रखा है, इसका आपको पाल करना है, क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष करना है, तो ये अपन करेंगे, बात करूंगा d/dx tan इनवर्स साइन e^x हो गया, ठीक है। तो d/dx के बगल में कौन आ गया, tan इनवर्स आ गया, कौन आ गया, tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स आ गया, तो tan इनवर्स को निपटा दो, tan इनवर्स को निपटाएंगे तो कैसे निपटाएंगे, 1/1 x, x क्या है, साइन e^x का स्क्वायर, ये हो गया, इसका काम खत्म कर लिया, 1/1 क्या होता है, x² एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है। अब मैं बात करूंगा जो यहाँ पर साइन लगा हुआ था, साइन e^x हो जाएगा, तो 1/1 साइन e^x का स्क्वायर, तो d/dx साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस लिख दो, कॉस e^x, अभी भी ये क्या है, x नहीं है, क्या है, e^x है, तो यहाँ पे लास्ट में e^x का तो क्या होता है, e^x ही होता है, तो अपने पास लास्ट में बच गया तो e^x, तो कुछ है ही नहीं, अवकलन तो आपके लिए टाइम पास है, और खुश होने वाली बात है कि हम भी अपने मन से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, 7.1 7.2 7.3, टीचर की कोई जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा आप तरीका सीख जाओ और धैर्य होना चाहिए, फॉर्मूले याद हो तो आप क्वेश्चन अपने आप ही करते जाओगे, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें देखो थर्ड वाले को बताऊंगा तो टाइम लगेगा, इस पर बात तो कल ही मैं करूंगा, 6 के 3rd पे, और देखो 7th में कोई छोटा सा हो जो मुझे लगे कि मैं बता सकता हूँ आपको, इसमें बात कर लूँ आप
को मैं, चलो ये दो बात कर ले रहा हूँ, वो बात कर लूंगा। सिक्स का थर्ड जो है, टेंशन मत लेना, कुछ मैंने बताते थे वीडियो, लगता है आप देखते ही नहीं हो, लगेंगे सर ये बताए नहीं। अरे मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँ तो उसको आप सुनते नहीं हो, लगता है कमेंट करने लगते हो, मैसेज करने लगोगे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा अपने मन से भी किया करो, क्या करते हो, बस टीचर के ही भरोसे बैठे हुए हो कि टीचर बताएगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अब तुरंत मैं बोल रखा हूँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्लास चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन पढ़ के बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, क्लास चलेगी, आराम से पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको। आपको तो यह है कि आप घर पे थोड़ा बिजी रहो और थोड़ा सीखो, आधे घंटे की वीडियो, तीन चार सवाल। अब इस पे भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर वही है आपके पास, जब तक आप दुर्गेश सर वाले कहानी नहीं सुनते हो तब तक आप पढ़ते नहीं हो, तो कार्यक्रम होगा। ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा प्रयास किया करो, टाइम पर बात करो ना, 10 मिनट पर बात करो, नहीं होगा, अरे नहीं होगा तो कुछ नहीं है, नहीं होगा तो कम से कम फॉर्मूले तो सीख जाओगे, फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे। मान लो टेन यूनिवर्स अभी इस सवाल को देखे, नहीं हुआ, सर ने बोला था डी बटे डी एस बगल में कोई जो मिले उसका फॉर्मूला, तो कम से कम फॉर्मूला तो देखोगे, वो तो याद होगा, देखते ही नहीं हो बस बैठे हो, टीचर बताएगा तो ठीक है, तो टीचर का तो इसीलिए फॉर्मूले याद होते हैं, तुमको नहीं याद होते हैं, आप अपने मन से ट्राई ही नहीं करते, नहीं याद है टेन यूनिवर्स क्या होता है, पीछे पलटोगे देखोगे तो याद होगा। जब अप्लाई करते हो फॉर्मूले तभी याद करने से कुछ भी याद नहीं होता, जब उसका अप्लीकेशन करते हो तो याद होता है। जब भी इसीलिए मैं जब भी चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं उसका रियल मीनिंग बताने का प्रयास करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब आकलन है इसके साथ ही शुरू हो गए, लेकिन रियल जिंदगी में उसका मतलब क्या, इसलिए उसको एक लेक्चर में, हर एक चैप्टर में बर्बाद करता हूँ फर्स्ट लेक्चर, कि हाँ इसका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। जब उसको जान जाते हो तो फिर चैप्टर पढ़ने का मजा होता है, लेकिन नहीं, आपको तो बस टीचर के बैठा, इस टीचर को याद है आपको नहीं याद है, सवाल करो नहीं, अरे नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, उस क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा कि खड़ा होकर तुमको झापड़ मार देगा कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि मुझे ट्राई करने का प्रयास करने लगे, ऐसा तो होता तो नहीं तुम लोग के साथ कि सपने में आकर डराता है कि तुमने क्यों ट्राई किया आज, मुझे आज ट्राई नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं, आप क्या करते हो, मम्मी पापा के पेन बचाते हो, कॉपी बचाते हो, क्योंकि एक दो पेज बचा देते हो मम्मी पापा के तो उनके पैसे बच जाते हैं, ट्राई करोगे तो बर्बाद होगा ना, पेन बर्बाद होगा, कॉपी बर्बाद होगी, तो इससे वो बचाते हो, तो मम्मी पापा के पैसे और जगह नहीं बचाओगे, यहाँ पर जरूर बचाते हो। अब भाई प्रयास ये करोगे, लगाओगे दिमाग, खर्च होगा, उस दिमाग को भी बचा के रखते हो, बचपन में पढ़ा होगा दिमाग ऐसी चीज है, विद्या ऐसी चीज है कि जितना बांटते हो उतना मिलता है, पढ़ते तो हो लेकिन इसका यूज नहीं करते हो आप, तो उसको खर्च करो, पेन बर्बाद होगा, कॉपी बर्बाद होगा, और क्या होगा तुम्हारे साथ, ऐसा तो मैंने तो बोला ना क्वेश्चन तुमको तो ऐसा नहीं करता, उठ के मारने लगता है कि क्यों भाई तेरी औकात कैसे होगी, तुमने मुझे ट्राई करने लगा, लेकिन नहीं, आपको बस केवल ये कि हाँ टीचर बता देंगे तो ठीक है, हम लोग तो बताते हैं, हमारी तो मजबूरी है कि गधा से गधा बच्चा भी कम से कम, हाँ क्वेश्चन उसको मिल जाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मेरे पास सोल्यूशन है तो पढ़ेगा। लेकिन अब सभी उसी के भर बैठे रहते हैं कि हाँ सर बताएंगे तो काम चलेगा। देखो टेन यूनिवर्स का, टेन यूनिवर्स का क्या होता है, 1/1 + x² तो ये बन जाएगा अपने पास sec x + tan x² ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं d/dx, अब किसका करेंगे, sec x + tan x का करेंगे, तो यहां से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने को खेल खेलना पड़ेगा, आंसर आ रहा है शायद 1/2 तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगा देते हैं कोई बात नहीं है। sec x + tan x को थोड़ा सा cos और sin में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर दूंगा, cos और sin में, इसका क्या होगा, इसका तो हो जाएगा sec x tan x sec² sec x कॉमन ले लूंगा, sec x + tan x, तो आपको साइन कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं यहीं पे, इसका कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। 1 + क्या होगा, 1/cos, ये क्या होगा, sin x / cos x, क्या ऐसा भी कर सकते हैं, ये बनेगा sec²x + tan²x + 2 sec x tan x, इस 1 को लिखते हैं sec²x, हो तो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है, इतना काम ना करके 1 को मैं sec x और tan x में लिख दे रहा हूँ, 1 को जैसे 1 को cos²θ + sin²θ बराबर क्या होता है 1, ऐसे ही शायद क्या होता है sec²x - tan²x, हाँ sec, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखना, इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का खेल खेल रहा हूँ, उसको देखना, ये क्या बनेगा
sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर वन होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। इसके बाद बात कर लूंगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस में टू tan x sec x। ये इतना थोड़ा बड़ा सा हो गया लेंदी सा, कोई बात नहीं है, इसको खेलते हैं। इसमें खेल लोगों तो क्या बनेगा अपने पास, sec x का क्या हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा sec x इंटू में सॉरी उल्टा लिख दिया, sec x का होता है sec स्क्वायर sec x tan x, ठीक है, इसका क्या होता है sec स्क्वायर x। ऊपर देखो तो कॉमन क्या दिख गया अपने पास, sec x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बन गया sec x प्लस tan x, ये हो गया। नीचे देखो तो कोई शहीद तो होगा ही, माइनस आया टेन स्क्वायर क्या हो चुका है शहीद हो चुका है, शहीद हो गया शहीद कर दो। तो ध्यान से देखो तो ये बनेगा टू sec स्क्वायर x, ये क्या है टू tan x sec x, तो टू sec x कॉमन है, देखो दो एक sec स्क्वायर एक sec स्क्वायर दो sec स्क्वायर x, यहाँ क्या दो tan x sec x, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया दो कॉमन ले लिया दो sec x कॉमन ले लिया दो sec x कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा sec x प्लस में यहां से बचेगा tan x। तो देखो तो ऊपर नीचे बराबर हो गए, बराबर में क्या बचा है केवल एक बटे दो बचा है, और बाकी क्वेश्चन कल ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा सवाल को ट्राई करिए, मैं बताऊंगा, मैं तो बता रखा हूं कि मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। जब तक फॉर्मूले ट्राई नहीं करते तो फॉर्मूले याद नहीं होते, ऐसे पूछूंगा tan इनवर्स बहुत हो तो क्लास में मिलते हैं तो पीछे पहुंचे तो साफ लग रहा है पहली बार मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा सवाल ट्राई करो तभी याद होगा। ठीक है, बाय बाय।